दोस्तों इस समय मैं हूँ लॉग हट एरिया में। यहाँ पे रहने के लिए बहुत अच्छे होटल्स और ये यहाँ का वीआईपी एरिया ओल्ड मनाली में माना जाता है। होटल हाईलैंडर मैंने आपको अभी दिखाया और अगर आप मेरा इसमें लिंक भी डालूँगा स्टे करने के लिए। और बहुत सारे होटल्स हैं, वीआईपी एरिया है और यहाँ बहुत से वीआईपी यहाँ पर आकर रहे हैं और रहते हैं। और इसी के पास ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि हडिम्बा टेम्पल जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, मुश्किल से 5 मिनट में ये ऊपर सामने बिल्कुल थोड़ा सा आप चढ़ के जाएंगे तो आपको सामने हडिम्बा टेम्पल के एकदम पास में। और यहाँ पार्किंग एरिया भी है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। और यहाँ मैं आपको, जब आप घूमने आते हैं तो हमें भूख भी लगती है, खाने का मन भी करता है। और यहाँ की ख़ास चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ग्रीन फॉरेस्ट कैफ़े। आप जब भी आएँ ग्रीन फॉरेस्ट कैफ़े यहाँ पर लॉग हट एरिया में, ये जब आप हडिम्बा टेम्पल से सीढ़ियों से उतरेंगे वॉकिंग डिस्टेंस पे। और यहाँ 1990 से ये ग्रीन फॉरेस्ट कैफ़े चल रहा है और इनका 21 अप्रैल 1990 को इनॉग्रेशन हुआ था। ये फैमिली अपने आप खुद सारे फैमिली मेंबर्स मिलके यहाँ पे खाना अपना ये सर्व करते हैं। यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और यहाँ के मोमोज सबसे मशहूर वेजिटेरियन इनकी स्पेशलिटी है। देखिए मैं वहीं चल रहा हूँ, प्योर वेज। मैं बाहर से आपको इसका लुक दिखा रहा हूँ और देखिए यहाँ बहुत अच्छा इंतजाम और एकदम टेस्टी इनका यहाँ का खाना बताया जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट इनका, बैठ के आप स्नैक्स, अपना लंच, डिनर सब यहाँ ले सकते हैं। फैमिली मेंबर्स लगे रहते हैं सारा इसमें, बहुत अपना प्यार डाल के, मेहनत डाल के आप लोगों के लिए बनाते हैं और पूरा वेजिटेरियन फूड आपको मिलेगा। और ज़रूर ट्राई करें, एक बार आएँ जब भी यहाँ पर। ये ऑनर है सर, आपका नाम? मेरा नाम ठाकुर दास। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपसे हमारे को अंदर आने दिया अपने किचन दिखाने के लिए। सर आपका नाम? मेरा नाम पोलू राम। हाँ जी, पोलू राम जी। आप? मैं फादर है। और एक क्वालिटी मेंटेन करके आपको देते हैं इन्होंने। 1990 जैसे मैंने आपको डेट बताई, कब से ये लोग इस काम में जुटे हुए हैं, पूरा एक्सपीरियंस इनको हो चुका है। देखिए ये बनाते, इनका बनाने का तरीका भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप क्या बना रहे हैं सर? ये वेजिटेरियन मोमोज तैयार कर रहे हैं। ये कैसे बनते हैं मोमोज? इसके बाद इसको क्या स्टीम में पकाते हैं? हाफ स्टीम करके रखते हैं। अच्छा, ये हाफ स्टीम, हाफ स्टीम करके ये तैयार करते हैं। इसके बाद जो फ्राइड खाना चाहे या स्टीम वाले खाना चाहे वैसा ये प्रिपरेशन हो जाती है। ये वेज चीज मोमोज, और उसके अलावा ये आटे में, अगर जैसे मानो किसी का पेट का प्रॉब्लम है तो उसको हम आटे में भी बना के देते हैं। वेज मोमोज आटे में भी खिलाए जाते हैं।
बहुत अच्छा, हेल्दी फूड जिसे कह रहे थे, फ्रेश और हेल्दी फूड। अगर आप फ्रेश और हेल्दी फूड खाने में इंटरेस्टेड हैं तो इनके पास आपको आना पड़ेगा। कब से आपकी दुकान है ये बता दीजिए, और नाम पूरा बताइए दुकान का। मेरा नाम पुलग्राम है। शॉप का? शॉप का ग्रीन फॉरेस्ट कैफे। ग्रीन फॉरेस्ट कैफे, एड्रेस एक बार आप एक्सप्लेन। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सर, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स ये हम यहाँ पर मोमोज, ग्रीन फॉरेस्ट कैफे के स्पेशल मोमोज, इनकी बड़ी तारीफ सुनी है। ये मैं खाने के लिए आया हूँ, मैं वेज मोमोज, स्टीम वेज मोमोज लिए हैं। ये इनके मोमोज, चटनी दो तरह की, और इसको मैं अब टेस्ट करता हूँ, टेस्ट करके आपको बताऊँगा कि कैसे बने हैं। दोस्तों ये मैं मोमोज ट्राई कर रहा हूँ, ये और ये चटनी इनकी, दो तरह की चटनी है, एक तो टमाटर की, इसको देखते हैं खाकर। मतलब एक स्मूथ सा टेस्ट है चटनी का, और जिसको तीखा पसंद है उसके लिए इन्होंने ये, मैं हाथ में लेके दिखाता हूँ, ये लाल मिर्ची की चटनी, मिर्ची को फ्राई करके और उसको पीस रखा है, कूट रखा है, पीसा नहीं है, मुझे लग रहा है सिल बट्टे पे कूटी हुई चटनी है। और अल्टीमेट टेस्ट है, आप जब भी हडिम्बा टेम्पल आए, ग्रीन फॉरेस्ट कैफे में आके मोमोज, इनकी वैरायटी, इनका पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें। 1990 है, ये लोग खुद बना रहे हैं, अपने आप बनाते हैं, पूरी फैमिली जो है, परिवार इस काम में लगा हुआ है, बहुत अच्छा, अल्टीमेट थम्स अप। चाचा को टेस्ट पसंद है और टेस्ट पसंद आया, आप भी आइए और टेस्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर में एक ब्रेक के बाद, पेट पूजा के बाद। ओके बाय बाय। चलो दोस्तों यहाँ लॉगट एरिया भी देखते हैं, चलते चलते होटल्स और ये सब आपको दिखेंगे, यहाँ बहुत अच्छी जगह है। देखो यार पूरा फोटो सेशन करा रहा है। बैठा हुआ वहाँ पर तो बहुत ही, हमारा भी फोटो ले लो। लो जी ओके। ये रामास ग्रीन फॉरेस्ट, इनके आगे से हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पार्किंग की पूरी फैसिलिटी, स्पेस है पूरा यहाँ, और ये बच्चों के एक्टिविटीज़ के लिए भी, ये भी यहाँ होती हैं, बच्चे पूरा एंजॉय करेंगे। रहने के लिए बहुत बढ़िया जगह, अगर आप मनाली आते हैं, मनाली से ऊपर ये ओल्ड मनाली आए, लॉग हट एरिया में आए। ये होटल का मैंने आपको पूरा डिटेल दिया है, बहुत ही सुंदर सुंदर, जो एक तो इतना बढ़िया होटल और रीजनेबल होटल मैंने आपको दिखाया। दोस्तों ओल्ड मनाली में कहाँ रहें, इसके ऊपर मेरा हिमाचल सीरीज़ का एपिसोड 1 आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, आप दोनों जगह आप क्लिक कर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, और हमें मैसेज ज़रूर डालें ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन बटन। चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप।